हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना डॉ नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एबॉर्शन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी 20 से लेके 22 सप्ताह के बीच में टर्मिनेट हो जाती है, या फिर यूं कहें कि अगर उसकी जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो जाती है, मतलब उसका मिसकैरेज हो जाता है या फिर एबॉर्शन हो जाता है, तो उसके बाद उसको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती है, उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एबॉर्शन कहते हैं किसको है। तो एबॉर्शन का मतलब होता है कि अगर किसी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और अगर उसकी प्रेगनेंसी 20 वीक की है, 20 वीक का मतलब कि 5 महीने, 20 वीक कहें या फिर 5 मंथ कहें। तो अगर किसी फीमेल की जो प्रेगनेंसी है वो 20 सप्ताह या फिर 5 महीने की है और उसके पहले ही उसकी जो प्रेगनेंसी है वो किसी कारण से लॉस हो जाती है, चाहे वो इंड्यूस्ड एबॉर्शन ले लें या फिर हम उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन लें, मतलब कि चाहे वो मेडिसिन के थ्रू उसको टर्मिनेट कर रही है या फिर स्वतः ही जो फिटस का प्रोडक्ट है वो वजाइनल ट्रैक के थ्रू बाहर आ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एबॉर्शन बोलते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो जो प्रेगनेंसी की टाइम ड्यूरेशन होगी, जेस्टेशन एज होगी, वो 20 वीक या फिर 5 मंथ से कम होगी, और दूसरा जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होगा वो 500 ग्राम से कम होगा, उसका जो वेट होगा वो 500 ग्राम से कम होगा। तो अगर किसी फीमेल की जो प्रेगनेंसी है वो 20 सप्ताह के पहले ही लॉस हो जा रही है, उसका जो सर्विक्स है, यूट्रस का जो मुंह जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह, अगर वो खुल जा रहा है, और जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है मतलब जो फिटस है, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज बोलते हैं। अगर किसी फीमेल के साथ ऐसा होता है तो उसको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो इसमें फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है, पहली जो समस्या आती है सबसे ज्यादा वो होती है लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल पेन विद क्रैम्प, मतलब कि जो फीमेल होगी जिसका भी मिसकैरेज हुआ है या फिर एबॉर्शन हुआ है, उसको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होगा और मरोड़ के साथ दर्द होते हैं। कभी कभी ये दर्द कम भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा होते हैं। ऐसा तब होता है जब कंसेप्शन का प्रोडक्ट मतलब कि जो भी बच्चा है उसका जो पार्ट्स है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है। जैसे होता यह कि जो यूट्रस होता है, अगर यूट्रस में एक भी बिट छूट जाता है तो इसकी वजह से जो फीमेल होती है उसको एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, उसको मरोड़ के साथ दर्द आते हैं और ब्लीडिंग भी होती है। तो अगर किसी फीमेल के साथ ऐसा होता है, इसका मतलब कि जो भी उसका कंसेप्शन का प्रोडक्ट है अभी वो यूट्रस में ही रह गया है, इसी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है और उसको मरोड़ के साथ दर्द भी हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये एबॉर्शन की सबसे कॉमन सी समस्या है। हर फीमेल में ये समस्या देखने को मिलती है अगर उनके साथ एबॉर्शन जैसी कोई घटना हुई है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी होती है, ये ब्लीडिंग हैवी भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। जो ब्लीडिंग होगी वो क्लॉट्स के साथ हो सकती है, फिर विदाउट क्लॉट्स हो सकती है। अगर यूट्रस में क्लॉट्स रह गए हैं तो फिर क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होगी, अदरवाइज अगर क्लॉट्स नहीं है तो फिर एटॉनिक यूट्रस की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि एबॉर्शन के बाद बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि जो यूट्रस होता है वो एटॉनिक हो जाता है। अब एटॉनिक यूट्रस क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि एटॉनिक यूट्रस क्या होता है। तो एबॉर्शन के बाद एटॉनिक यूट्रस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो उसमें फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। थर्ड पॉइंट है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब होता है कि अगर किसी फीमेल का अपने आप एबॉर्शन हुआ है, मतलब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है, उसने किसी भी तरह का कोई मेडिकेशन नहीं लिया है, तो उस दौरान इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, मतलब कि जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से आउट नहीं होता है, उसके कुछ बिट्स यूट्रस में रहने की संभावना सबसे अधिक रहती है अगर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है, मतलब किसी फीमेल का स्वतः से अपने आप ही उसका बच्चा अगर लॉस हो रहा है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब होता है कि पूरी तरह से गर्भाशय साफ नहीं होता है, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसमें डैमेज ऑफ ओम्स और सर्विक्स,
मतलब कि जो फीमेल है, फीमेल का जो गर्भाशय है और जो सर्विक्स है उसके डैमेज होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी फीमेल का एबॉर्शन हुआ है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है, अपने आप एबॉर्शन हुआ है, तो उस दौरान इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांस सबसे ज्यादा है। मतलब कि जो गर्भाशय में कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आता है, तो कुछ बिट्स वहां में अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को हमेशा पेट में दर्द रहता है, ब्लीडिंग रहती है, स्पॉटिंग होती रहती है। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और फिर डॉक्टर क्या करता है, सर्जिकल प्रोसीजर करता है। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट रह गया है गर्भाशय में उसको बाहर निकालता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डीएनसी कहते हैं। तो उसको हम आम भाषा में गर्भाशय की सफाई करवाना भी बोलते हैं। तो जब ये प्रोसीजर होता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के यूज किए जाते हैं। अगर किसी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट कहीं पे लग गया तो उसकी वजह से जो सर्विक्स होती है या फिर जो यूट्रस होता है उसके डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, साथ ही उसमें इन्फेक्शन होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इन्फेक्शन, क्योंकि एबॉर्शन के समय इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। क्योंकि जो वजाइना होती है, सर्विक्स होता है, उसका मुंह पूरा ओपन रहता है, पूरी जो बर्थ कैनाल होती है वो ओपन रहती है, तो उस दौरान इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। साथ ही ब्लीडिंग भी हो रही है और जहां पे भी मॉइस्चर एरिया रहता है, अगर जेनिटल एरिया है वहां पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन होने के चांस सबसे अधिक रहते हैं। तो जब ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग क्या है, मॉइस्चर अवेलेबल है, तो उस दौरान इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें सिक्स पॉइंट है, इज केयरिंग ऑफ द इनसाइड ऑफ द यूट्रस। मतलब कि जो यूट्रस होता है, मतलब यूट्रस की जो लेयर होती है उनमें स्कैरिंग में भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो ही, लेकिन में भी ऐसा हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको कहीं पे चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद फिर वहां पे एक लेयर जैसी बन जाती है, जो डेड टिश्यू होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो क्या होती है, वहां पे एक तरह से उनका एडहेशन होने लगता है, उनका जमाव होने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा जो घाव है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो फिर वही जो लेयर होती है, डेड सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, उनकी स्केरिंग होती है, मतलब वो हटने लगती हैं। तो सेम है यूट्रस में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी फीमेल का एबॉर्शन हुआ है और उस दौरान सर्जिकल एबॉर्शन करवाया गया है, तो उससे क्या होता है कि जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, ये यूट्रस की इनर लेयर होती है, इसके सराउंडिंग क्या होता है कि स्कैरिंग में भी हो सकती है, जो लेयर्स है वो निकल सकती है, झड़ सकती है, इसी को हम बोलते हैं स्कैरिंग ऑफ द यूट्रस। तो जो यूट्रस का इनसाइड है, मतलब अंदर वाला पार्ट है, जिसको हम इनर लाइनिंग बोल रहे हैं या फिर इंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, उसमें क्या होता है, स्कैरिंग हो सकती है, मतलब कि वो टूट टूट के बाहर निकल सकती है। ऐसा मे बी फीमेल्स में हो सकता है, ऐसा इन्फेक्शन में अधिक देखने को मिलता है। अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है या फिर इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो स्कैरिंग की समस्या है ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें सेवंथ पॉइंट है, सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन, अगर किसी फीमेल का एबॉर्शन हुआ है तो सेप्टिक एबॉर्शन होने के चांस भी उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी फीमेल ने इंड्यूस्ड एबॉर्शन उसका हुआ है, जैसे अगर किसी फीमेल ने मेडिसिन ली है और उसके बाद उसका एबॉर्शन हुआ है, तो उसमें कम चांस होते हैं कि उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो। लेकिन अगर उसका स्वतः एबॉर्शन हुआ है, अपने आप हुआ है, उसने किसी प्रकार कोई दवा नहीं ली है, तो उस दौरान इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और अगर फीमेल को इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है, बीड्स अंदर है, तो फिर सेप्टिक एबॉर्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें एट्थ पॉइंट है, यूट्राइन परफोरेशन। यूट्राइन परफोरेशन क्या होता है? यूट्राइन परफोरेशन का मतलब होता है कि जो यूट्रस की इनर वाल होती है या फिर जो वहाँ की ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की इंजरी हो जाए या फिर उनमें किसी भी तरह का कोई होल हो जाए, छेद हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं यूट्राइन परफोरेशन। ये तभी होता है जब किसी फीमेल का सेप्टिक एबॉर्शन हुआ हो या फिर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ हो और उसके लिए फीमेल को फिर सर्जिकल एबॉर्शन करवाना पड़े। अगर जो भी सर्जिकल एबॉर्शन को परफॉर्म कर रहा है, अगर उसने प्रॉपर टेक्निक अप्लाई नहीं की है, उसको इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि किस इंस्ट्रूमेंट का हमको किस तरह से यूज करना है, तो उस दौरान जो यूट्राइन परफोरेशन हो रहा है, इसके होने के चांसेस सबसे अधिक हो जाते हैं। तो अगर किसी फीमेल का एबॉर्शन हुआ है तो ये भी उसमें एक समस्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब जो भी परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति है, जो भी सर्जिकल एबॉर्शन को परफॉर्म कर रहा है, अगर उसने प्रॉपर टेक्निक का यूज नहीं किया है, उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तभी ये समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें नाइन्थ पॉइंट है, पेरिटोनाइटिस।
पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है कि जो एब्डोमेन होता है, मतलब जो पेट होता है, पेट की जो वाल होती है, एब्डोमिनल वाल होती है, इसमें किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अगर किसी फीमेल का एबॉर्शन हुआ है और एबॉर्शन के दौरान उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर उसमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि जो उसकी एब्डोमिनल वाल होगी उसमें भी इन्फेक्शन की वजह से सूजन देखने को मिलेगी। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है किसका? एबॉर्शन का। 10th एंड लास्ट पॉइंट है डेथ। मतलब कि जिस फीमेल का अबॉर्शन हुआ है, अगर हम समय रहते उस फीमेल को ट्रीट नहीं करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से फीमेल की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर फीमेल का अबॉर्शन हुआ है तो उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं, उसको सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है, उसकी ब्लीडिंग होती है, उसको एब्डोमिनल पेन होता है, और भी बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, साथ ही इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो अगर इन सबको हम प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं तो इसकी वजह से फीमेल की जान भी जा सकती है। तो अगर किसी भी फीमेल के साथ ऐसा कोई घटना होती है तो उसको समय रहते ही इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जहां भी जा रहे हैं, जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो डीएनसी की टेक्निक होती है, जो सर्जिकल एबॉर्शन की टेक्निक होती है, वो कैसे परफॉर्म की जाती है, और उस वो जो डॉक्टर होगा वो सर्टिफाइड भी होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसने इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग ले रखी है और उसको इसकी पूरी जानकारी है, तभी आप उस डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपना जो सर्जिकल एबॉर्शन उसको परफॉर्म करवाएं। तो इस तरह से जो भी एबॉर्शन के कॉम्प्लिकेशन है, अगर समय रहते हम उनको ट्रीट कर लेते हैं तो हम फीमेल की जान को बचा सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो फीमेल में देखने को मिलते हैं अगर किसी फीमेल का एबॉर्शन हुआ है तो उस दौरान। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।